पिट्टू पिट्टू कहाँ है तुम्हारा कंधा? मुझे तुम्हारे कंधा चाहिए रोने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ, टूट चुकी हूँ। हाँ मुन्नी, ये लो मेरा कंधा, जितना रोना है रो लो। और कंधा ही क्या मुन्नी, तुम्हारे लिए तो मैं अपने दिल जान सब दे दूंगा। थैंक यू बिट्टू, थैंक यू सो मच। मुन्नी की आंखों में आंसू तो बिट्टू हुआ इमोशनल, मुन्नी रोई तो बिट्टू ने दिया अपना कंधा। मुन्नी को मुसीबत में बिट्टू का मिला सहारा। जी हाँ, जाट की जुगनी में मुन्नी बिट्टू के गले लग रही है, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि दुख से, क्योंकि आज उसे अपने बाबूजी के बारे में ऐसा राज पता चला है कि उसे सुनते ही वो टूट चुकी है। वैसे आज ऐसा क्या हो गया कि मुन्नी इतनी इमोशनल हो गई? जबरदस्ती तो नहीं, मुन्नी अभी बहुत शॉक में है क्योंकि अभी उसे पता चला है कि उसके घर का ही एक मेंबर नहीं रहा, जो उनके उसके ताऊजी हैं, जहाँ पे ज्योति की एक जगह शादी हो रही है तो वहीं दूसरी जगह उसके ताऊजी की चिता जल रही है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे परिवार वालों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर, और ये सिर्फ सच बिट्टू को पता है और बिट्टू ने किसी को बताया नहीं है। तो जब वो मुझे बताता है, जब वो मुन्नी को बताता है, तो मुन्नी काफ़ी शॉक हो जाती है ये जानकर कि उसके ताऊजी अब नहीं रहे और एविडेंसेस बाबूजी के खिलाफ जा रहे हैं। वैसे मुन्नी को उसके बाबूजी का राज इस ब्रेसलेट के जरिए पता चला है। लड़ाई झगड़े में मुन्नी के हाथ से बिट्टू की शर्ट फट जाती है तो एक एविडेंस मिल जाता है जो ब्रेसलेट होता है, और वो ब्रेसलेट उसके बाबूजी का है। मुन्नी फिर भी कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन क्योंकि सारे एविडेंसेस बाबूजी के खिलाफ जाते हैं तो अभी फिलहाल मुन्नी को मुन्नी ले नहीं पा रही है, तो शी इज इन शॉक, बहुत रो रही है। फिर क्या था, बेचारी मुन्नी अपने बाबूजी की इस करतूत के बारे में सोचकर परेशान हो रही है। तो देखना ये है कि मुन्नी अब इस शौक से कैसे निकलती है। आज तक ब्यूरो। I'm